मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और बात हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। भारत कश्मीर मुद्दे पर चीन की मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज क्लोज डोर मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि घाटी से 370 हटाए जाने के बाद पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक चर्चा की मांग की थी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर आज उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं ने उन्हें याद किया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और घाटी में मीडिया के काम करने पर रोक लगाने के केंद्र के फैसले को कानूनी चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आज सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाए जाने का ऐलान करने के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि इस रेस में आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत सबसे आगे हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायपालिकाओं में अमर्यादित आचरण के अभूतपूर्व तरीके से बढ़ते मामलों पर अफसोस जताते हुए कहा कि गरिमापूर्ण तरीके से होने वाली चर्चाओं और बहस की जगह अदालतों में मुखर आचरण अपनाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के चेयरमैन के सिवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किला की प्राचीर के इस बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत को इस बार इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए जोरदार अभियान चलाने की घोषणा की है। मलेशिया की सरकार ने बताया है कि मलेशियाई अधिकारियों ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पर कथित तौर पर समुदायों में नफरत फैलाने वाली टिप्पणी करने का आरोप है। जिब्राल्टर के तट से 42 दिन पहले जब्त किए गए एक तेल टैंकर पर सवार एक भारतीय कैप्टन समेत 4 क्रू मेंबरों को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईरान के ग्रेस 1 सुपर टैंकर को 4 जुलाई को सीरिया में तेल सप्लाई करने के मामले में रोक लिया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार का सचिवालय और अन्य कार्यालयों में कामकाज आज शुरू हो रहा है। वहीं आमजन पर लगी पाबंदियों में कितनी ढील मिलेगी, यह जुम्मे की नमाज के बाद ही स्थिति पर निर्भर करेगा। यूपी के रामपुर से सपा के सांसद आजम खान पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इस कड़ी में अब जिला प्रशासन आजम खान के लग्जरी हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि अपने इस रिजॉर्ट के लिए आजम ने सिंचाई विभाग के नाले की 1000 गज जमीन को भी घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि आईएएस अफसर से सामाजिक कार्यकर्ता और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। सरकारों की माइक्रो इकोनॉमिक नीतियाँ आमतौर पर विकास को अधिकतम करने और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, लेकिन प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री पुलापरे बालाकृष्णन के अनुसार सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मंदी और 4 दशक की उच्च बेरोजगारी ला दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ मौजूदा हालात को सुधारने के लिए उठाने वाले कदमों की समीक्षा की है। वहीं इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि सरकारी प्रोत्साहन पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछले कई दिनों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की हालत गंभीर हो गई है, जिसके मद्देनजर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उन्हें देखने के लिए एम्स जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में दावा किया है कि IL&FS के पूर्व प्रबंधन और कुछ प्रमुख समितियों ने पिछले कुछ सालों के दौरान कोई बैठक नहीं की है, जिससे गैर बैंकिंग वित्त कंपनी सेक्टर में तरलता की कमी के साथ साथ IL&FS में आई समस्याएं उजागर हुई हैं और इससे अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ा है। पहलू खान के मामले से जुड़े सभी लोगों को बरी किए जाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया है और राजस्थान की गहलोत सरकार से कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि फिलहाल आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण की सुविधा है।
भारी बारिश ने एक बार फिर से राजस्थान और मध्य प्रदेश को परेशानी में डाल दिया है, जिससे दोनों राज्यों के एक दर्जन से अधिक जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दोनों ही राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ठाकुर ने कहा है कि डीए में की गई वृद्धि इस साल जनवरी से लागू होगी, जिससे राज्य कर्मचारियों को 260 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।